हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की रेसिपी एग बिरयानी, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने सारी तैयारी पहले से ही करके रखा है। एग और आलू को बॉईल कर लिया और चावल को भी बॉईल कर लिया। चावल बॉईल करते टाइम उसमें खड़ा गर्म मसाला डाला, जैसे तेजपत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी, और एक चम्मच घी डाल के चावल को 90% बॉईल कर लिया था। सबसे पहले मैं बेरेस्ता बना लूँगी। उसके लिए मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया और इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल दूँगी और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें प्याज भी डाल दिया और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। अब मैं इसी ऑयल में आलू को फ्राई कर लूंगी। आलू में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। अब मैं इसी ऑयल में एक को भी फ्राई कर लूंगी। एक फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। अब मैं इसमें खड़ा गरम मसाला डालूंगी, जैसे तेजपत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी, और इसमें मैं दो मीडियम साइज की प्याज है इसको भी डाल देंगे और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया था। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। अब थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें एग और आलू डाल दूंगी और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें एक चम्मच बिरयानी मसाला डाल दूंगी। ये होममेड बिरयानी मसाला है, ये मैंने घर पे ही बनाया है, कभी इसको शेयर करेंगे।
अब मैं इसको थोड़ा सा ढक के पका लूंगी। ये हमारा बनके रेडी है। अब हम बिरयानी का लेयर बनाएंगे, तो इसे इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसको मैं सबसे पहले घी डाल दूंगी। घी को अच्छे से फैला लेंगे। अब मैं तेज पत्ते इसमें डाल दूंगी। तेज पत्ते से एक बेस बना लेंगे ताकि बिरयानी ना जले। अब मैं चावल डाल दूंगी। ऐसे हम लेयर बना लेंगे। अब मैं एक चम्मच बिरयानी मसाला डाल दूंगी और बेरिस्ता भी डाल देंगे। एक चम्मच कैरा वाटर, एक चम्मच रोज वाटर, दो तीन ड्रॉप मीठा इतर डाल देंगे। अब मैं घी भी डाल दूंगी ऊपर से। बीच में से कट करके हरी मिर्च भी डाल देंगे। आप धनिया और पुदीने के पत्ते भी ऊपर से डाल देंगे। आप ऊपर से फॉइल पेपर डाल के इसको हम सील कर लेंगे और दम पे बिठाएंगे। अब मैं तवा के ऊपर 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 15 मिनट लो फ्लेम पे दम पे बिठा दूंगी। 20 मिनट हो चुका है, अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए ये बनके रेडी है। रेडी टू सर्व। एंजॉय।